वाराणसी कोर्ट ने ज्ञान बापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद देर रात तहखाने में पूजा हुई। कोर्ट के इस फैसले में 30 जुलाई 1996 के एक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट ने अहम रोल निभाया है। व्यास परिवार की ओर से शैलेंद्र कुमार पाठक लगातार तहखाने में अधिकार और उसमें पूजा पाठ की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। शैलेंद्र पाठक व्यास परिवार के ही वंशज है। वाराणसी कोर्ट के जज AK विपशेज ने 31 जनवरी को दिए अपने फैसले में एडवोकेट कमिश्नर की उस रिपोर्ट को स्वीकार किया है, जिसमें बताया गया कि तहखाना के दक्षिणी द्वार पर दो ताले लगे थे। पहला ताला व्यास परिवार का था, जबकि दूसरा ताला प्रशासन का था। एडवोकेट कमिश्नर 30 जुलाई 1996 को इसके सर्वे के लिए पहुंचे थे, तो व्यास परिवार ने अपना ताला खोल दिया था, लेकिन प्रशासन ने अपना ताला नहीं खोला था। इसकी वजह से कमिश्नर तहखाने के भीतर नहीं जा पाया था। व्यास परिवार इस तहखाने में पूजा पाठ करता था, लेकिन 1993 में चारों ओर से लोहे का पार लगाए गए तो तहखाने का रास्ता बंद कर दिया गया था और वो इसी को खुलवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। व्यास परिवार और शैलेंद्र पाठक की ओर से बताया गया कि पहले यहाँ दरवाजा हुआ करता था, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़ी प्राचीन मूर्तियाँ और प्रतीक के चिन्ह पहले से मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने बाद में वह दरवाजा हटा दिया था। उधर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कहा कि व्यास परिवार के किसी सदस्य ने तहखाने में कभी पूजा नहीं की, इसलिए 1993 में पूजा रोकने का कोई सवाल ही नहीं था। मस्जिद कमेटी का ये भी कहना है कि इस तहखाने में कभी कोई मूर्ति नहीं थी। व्यास परिवार के लोग तहखाने पर काबिज थे। मस्जिद कमेटी का यह भी दावा है कि यह पूरा तहखाना कमेटी के कब्जे में ही रहा है, जहां किसी देवी देवता की मूर्ति कभी नहीं रही। मस्जिद कमेटी ने जज के सामने अपनी दलील में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि तहखाने पर सुनवाई ही नहीं की जा सकती है, यह मस्जिद का हिस्सा है।